दोस्तों, देवघर एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। जल्द ही यहाँ से विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कल यानी 30 नवंबर को ऑफिशियली तौर पर देवघर एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया है, लेकिन इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। लेकिन इसी बीच एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से देवघर एयरपोर्ट पर एक अनोखी, अच्छी और खास पहल की गई है, जिसकी काफी सराहना भी हो रही है। दरअसल यहाँ टर्मिनल बिल्डिंग के समीप कार पार्किंग में शेड बनाया गया है, लेकिन यह शेड दूसरे शेडों से अलग है। इसकी सबसे खास बात यह है कि कार पार्किंग के लिए तैयार किए गए शेड सोलर पैनल से बने हुए हैं। इस खास शेड से गाड़ियों को पानी और धूप से बचाव होगा। साथ ही साथ शेड में सोलर पैनल लगे होने की वजह से यहाँ टर्मिनल बिल्डिंग को बिजली भी उपलब्ध हो रही है, जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से बनता है। देवघर एयरपोर्ट पर हुई इस अनोखी पहल की काफी चर्चा हो रही है और लोग इस प्रयोग के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की सराहना भी कर रहे हैं। वहीं इस बारे में देवघर एयरपोर्ट के डायरेक्टर संदीप डिंगरा ने बताया कि यह एक अनोखी पहल की गई है। इस शेड में एल्वेस्टर की जगह सोलर पैनल का उपयोग किया गया है, जिससे बिजली उत्पन्न कर टर्मिनल बिल्डिंग को दिया गया है। दोस्तों, यह पहली बार है जब देवघर एयरपोर्ट के बारे में कुछ खास बातें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कही गई है। इसका अर्थ यह है कि देवघर एयरपोर्ट को हैंडओवर करने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी उत्सुक है इसका उद्घाटन करने के लिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट जरूर करें, और देवघर एयरपोर्ट पर यह खास प्रयोग आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर करें।